जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान शहीद हुए सेना की किस राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा को आज राजकीय सम्मान के साथ जयपुर में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह शहीद आशुतोष का पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा, जहां उन्हें तिरंगे में लपेटकर आखिरी विदाई और सलामी दी गई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में रविवार को कर्नल आशुतोष के साथ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में चार अन्य जवान भी शहीद हो गए थे। बता दें कि हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को आज जयपुर में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उनकी पत्नी, बेटी और अन्य परिजन भी मौजूद रहे। वो यही मौत चाहते थे, वो तिल-तिल के मरना कभी नहीं चाहते, उनके लिए यही हीरोइज्म मौत, वो बने ही इस चीज के लिए। ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ एट द किंग साइज, ही डिड दैट, ही वांटेड टू फेस दिस डेथ इन अ हीरोइज्म मैनर एंड ही डिड दैट। देयर वाज स्माइल ऑन हिज फेस, ही वाज सो काम, आई कुड सी पेन और एनी रिग्रेट ऑन हिज फेस, सो लेट्स ऑनर हिज सैक्रिफाइस। थैंक यू। नम आंखों और राजकीय सम्मान के साथ कर्नल को अंतिम विदाई दी गई। शहीद आशुतोष को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम विदाई दी। कर्नल आशुतोष शर्मा जी के बलिदान को पूरा देश याद करेगा, पूरे मुल्क को गर्व है उनके त्याग पर, बलिदान पर, और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आप देखते हैं कि उनके साथ में और लोग शहीद हुए हैं, और राजस्थान में तो घर घर में शहीदों का इतिहास है, चाहे वो 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो, या कारगिल हो, हमेशा यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम विदाई के दौरान कर्नल की पत्नी लगातार रोती रही। बता दें कि शहीद आशुतोष बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मगर उनका परिवार काफी समय से जयपुर में रहता है। बता दें कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल आशुतोष अपने आतंक रोधी अभियानों में साहस और वीरता के लिए 2 वीरता पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, शहीद आशुतोष कर्नल रैंक के ऐसे पहले कमांडिंग अफसर थे जिन्होंने पिछले 5 साल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई हो। कर्नल आशुतोष शर्मा काफी लंबे समय से गार्ड रेजिमेंट में रहकर घाटी में तैनात थे, और वे आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी के लिए 2 बार सेना मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। आतंकियों को ही सबक सिखाने के लिए वे जाने जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।